एसडीएम संगीता का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जहां सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बताई गई है। एसडीएम की अब एमआरआई जांच कराई जा रही है, साथ ही वाइटल्स ठीक है लेकिन हाथ और पांव उनके सुन्न हैं। लक्सर की एसडीएम हैं संगीता कन्नौजिया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। संगीता कन्नौजिया को अब हायर सेंटर में रेफर किया गया है, ऋषिकेश एम्स में एडमिट है एसडीएम संगीता। और हमारे संवाददाता हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, ओवरऑल किस तरह की अभी उनकी स्थिति है? खतरे से वे बाहर हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उन्हें सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत बताई जा रही है डॉक्टरों की ओर से, और वो अभी बोल सकती हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, इसमें काफ़ी गंभीर स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि उनके पैर हाथ सुन्न बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर पूरी तरह से सतर्कता के साथ उनका इलाज करने में लगे हुए हैं। ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करा दिया गया था उसके एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा सकता है कि अभी फिलहाल डॉक्टर जब तक एमआरआई रिपोर्ट, दूसरे जो चेकअप है उनके, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो अगली जो चीज़ें हैं और क्या प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है उसको लेकर भी आगे के लिए बुलेटिन जारी किया जाएगा। उनके माथे में भी चोट बताई जा रही है कि सर में एक गुम चोट उनके है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ है वो एक दुखद घटना उत्तराखंड के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर था गोविंद, उसकी मौके पर ही मौत हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की मिनिस्टर जाँच के आदेश दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ है रुड़की और लक्सर के बीच में, वहाँ बेलगाम तौर पर इस तरह के डंपर और तमाम जो बड़े वाहन हैं वो चलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के होने के कारण भी बड़े जो भारी वाहन हैं उनकी आवाजाही लगातार होती है। और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो गंभीर स्थिति गाड़ी की बताई जा रही है, पूरी गाड़ी के पड़कच्चे उड़ गए हैं, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है, तो उस स्थिति को देखते हुए कहा सकता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। ड्राइवर की गलती रही है या क्या इसमें हुआ है, इस पूरे मामले की मिनिस्टर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और इसकी बहुत जल्द एक रिपोर्ट तैयार करके फिर डीएम को सौंपी जाएगी, उसके बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस डंपर से, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, वो चालक भी फरार है, वो नहीं मिल पाया है अभी, उसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है वो क्या है, और फिर उसके बाद जांच के आधार पर पता लगेगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो एसडीएम है उनकी सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है, मुख्यमंत्री ने भी सलामती की दुआ की है, और तमाम लोग भी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। जी पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।